राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर पूरे राजस्थान में तैयारियां जोरों पर है। ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा को सफल और ऐतिहासिक बनाने के लिए कोटा शहर कांग्रेस कमेटी ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस दौरान तैयारियों को लेकर गुमानपुरा स्थित कांग्रेस कार्यालय में पदाधिकारियों की बैठक की गई। इस बैठक में खादी ग्राम उद्योग के उपाध्यक्ष पंकज शर्मा, शहर कांग्रेस अध्यक्ष रविन्द्र त्यागी, कांग्रेस नेता अमित धारीवाल समेत कई नेता मौजूद रहे। बैठक के दौरान कांग्रेस नेता अमित धारीवाल ने कहा कि राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा का भव्य स्वागत होगा। धारीवाल ने कहा कि अन्य राज्य की तुलना में राजस्थान में कदम कदम पर कांग्रेस का हर कार्यकर्ता इस यात्रा का स्वागत करेगा। धारीवाल ने कहा कि देश का जो मौजूदा हालात है उससे पूरा देश त्रस्त है, ऐसे में अब देश में बदलाव की जरूरत है। तारीख को कोटा के अंदर फंक्शन रहेगा, भव्य स्वागत करेंगे, कांग्रेस एकजुटता का परिचय देगी और सबके अंदर बहुत उत्साह है। सारे कार्यकर्ताओं के अंदर हर जगह राहुल गांधी जी का स्वागत कराया जाएगा और हजारों की तादाद के अंदर लोग बाग एकत्रित होंगे और कांग्रेस के नहीं आम जनता भी एकत्रित होगी, क्योंकि ये खाली कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये भारत जोड़ो यात्रा है भारत को जोड़ने के लिए। इसके अंदर आम जन भी शामिल हो रहे हैं। अभी तक आप देखिए राहुल गांधी जहाँ जहाँ से भी गुजरे हैं वहाँ पर कांग्रेस की सरकार नहीं है, हजारों लाखों की तादाद के अंदर लोग बाग हैं, लोग एकत्रित हुए हैं और उनके साथ में चले हैं और मीलों दूर तक उनके साथ में चलते आए हैं। तो फिर कांग्रेस की राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है, यहाँ उन सारे राज्यों से ज़्यादा अच्छा स्वागत।